और जाहिर सी बात है एक इनोसेंट के मरने से पूरी इंसानियत मरती है। खाली अमन के साथ हम खुशहाल और खुशी के साथ हम तरक्की देख सकते हैं और मोहब्बत भाईचारे के लिए एक नुमाया रोल रखता है। चाहेंगे उन अननोन ये जो अननोन मिस्ट्री काफ़ी सदियों से चल रही है उन तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए कैंडल मार्च करने का सिर्फ एक मकसद है, हम अमन का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। जब कभी भी कश्मीर में इनोसेंट किलिंग्स हुई है कश्मीर की हर एक आवाम ने उसको कंडम किया है और जाहिर सी बात है एक इनोसेंट के मरने से पूरी इंसानियत मरती है। तो इससे पहले भी जब कभी भी इनोसेंट किलिंग्स हुई है हमने इससे पहले भी कैंडल मार्च किया है और कल रिसेंटली जो दो इनोसेंट किलिंग्स हुई उस जिमन में आज हमने कैंडल मार्च रखा था। मैं अपनी फॉरम के साथ साथ कंगन की जो आवाम और यहाँ की जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके साथ मिलके हमने आज कैंडल मार्च रखा था। काफ़ी पार्टिसिपेशन इसमें पार्टिसिपेशन अच्छी रही। तो यहाँ सिर्फ इस कैंडल मार्च से एक मैसेज मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि किसी भी इनोसेंट की लीग्स को हमें कंडम करना चाहिए। कोई भी मजहब कोई भी धर्म इनोसेंट की लीग्स की इजाज़त नहीं देता। तो बस यही एक मैसेज पहुंचानी थी कि ये खून खराबा बंद हो, जितना हो सके हमें भाईचारे के साथ रहना है, अमन और खुशहाली, अमन के साथ हम खुशहाल और खुशी के साथ हम तरक्की देख सकते हैं। तो मैं तमाम कैंडल मार्च में आए अपने भाइयों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं कि वो यहां पे आए और इस कैंडल मार्च में उन्होंने अपनी शिरकत की। देखिए मैंने अभी भी कहा इनोसेंट किलिंग्स जहाँ किसी भी जगह होगी ये एक दाग रहता है इंसानियत पे। खासकर अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर प्यार मोहब्बत भाईचारे के लिए एक नुमाया रोल रखता है। तो इस जमन में जब कभी भी यहाँ इनोसेंट किलिंग्स हुई है आपने देखा होगा यहाँ की गयूर आवाम हर वक्त इनोसेंट किलिंग्स को कंडम करती है। तो इस जमन में हमने भी आज कैंडल मार्च रखा था ताकि हम एक मैसेज देना चाहेंगे उन अननोन ये जो अननोन मिस्ट्री काफ़ी सदियों से चल रही है उन तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस इनोसेंट किलिंग्स के खिलाफ हैं हम ऐसी किसी भी किलिंग्स के साथ नहीं है और हर हमेशा हम ऐसी किलिंग्स को कंडम करते रहेंगे।